नमस्ते दोस्तों, ड्रिजल इंडिया के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्डलेस कार वॉशर, इसको आप लिथियम आयन कार वॉशर भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि एक सामान्य से एक गन दिख रही है आपको, जिसमें कि यहाँ पे एक सॉकेट दिख रहा है, जिसमें कि हमारा एक ये 48 वॉट का लिथियम आयन बैटरी है वो इसमें फिक्स हो जाता है। और साथ में इसमें ये 5 मीटर पाइप आता है, जिसमें एक तरफ फिल्टर लगा रहता है और दूसरी तरफ ये QD एडॉप्टर लगा रहता है, जो कि इस जगह पर फिक्स हो जाता है। साथ में एक ये शैम्पू केन आएगी, जिसमें अभी हमने शैम्पू डाल के रखा हुआ है। साथ में एक ये दो नोजल आएगी, एक ये रेड वाली जिसका मुंह थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा ये वाइट वाली, ठीक है। और साथ में एक ये चार्जर आता है, इसके साथ में एक ये बुकलेट आती है और ये कंप्लीट इस पेटी में पैक आता है, ठीक है। अब बिना समय गवाए हम बस इसको, बैटरी जो है ऑलरेडी चार्ज करी हुई है, इसको इसमें स्वीप करते हैं और स्वीप करने के बाद में QD एडॉप्टर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या प्रेशर निकल के आता है। इसके माध्यम से आप कार वॉशिंग भी कर सकते हैं और साथ में जो स्प्रे करने का काम है वो स्प्रे वाला काम भी कर सकते हैं। ये अभी हमने इसको लगा दिया है और देखो, मैं इसको एक बार दबा के बताता हूँ, ये चालू भी हो गया है। अब ये रेडी टू यूज है, बस ये यहाँ पे इस जगह पे आपका QD एडॉप्टर लगेगा। ये QD एडॉप्टर लग गया और वो जो दूसरा हिस्सा है उसको हम पानी की टंकी में डाल देंगे। ये पानी की टंकी में हमने इसको डाल दिया। ये करीब 5 मीटर पाइप है जो इसके साथ में हम देते हैं। और अब एक बार मैं चालू करके देखता हूँ इसको, इसे पानी आने लग गया है क्या। ये पानी आने लग गया इसमें, ठीक है। अब इसमें हम बिना समय गवाए बस डायरेक्ट नोजल लगाते हैं। ये एक रेड वाली एक ऑरेंज वाली, ये दोनों इसमें नोजल लगाते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या क्या फ़र्क आता है प्रेशर में और इसकी रेंज वगैरह कहाँ तक जाती है। अगर इसके बारे में बात की जाए बैटरी के बारे में, तो इसमें 48 वॉट की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है और इसको जो चार्जिंग टाइम जो है वो करीब 4 घंटे का चार्जिंग टाइम है। और एक बार फुल चार्ज कर लेंगे तो उसके बाद में करीब ये 50-55 मिनट के आसपास ये चलती है। और इससे हम ये बाइक भी वॉश करके देखते हैं और साथ में डायरेक्ट स्प्रे करके भी देखते हैं कि इससे स्प्रे वगैरह ढंग से हो पाता है या नहीं हो पाता है। ये QD एडाप्टर को दबाया और इसमें नोजल लगा दी। अब एक बार हम इसमें ये ऑरेंज नोजल लगा के देख लिए, अब एक बार इसको एक बार टॉप पे भी होकर के देखते हैं बिना वॉशिंग के कि क्या स्प्रे के काम में आ सकती है क्या। ये करीब 6 तक जा रहा है इससे प्रेशर कंटिन्यू अगर अपन चला रहे हैं तो। अब एक बार हम व्हाइट वाली नोजल इसमें और लगा के देख लेते हैं, व्हाइट वाली नोजल से क्या प्रेशर में फ़र्क आता है और क्या इसका चेंज होता है स्प्रे का डिज़ाइन वगैरह, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम ये रेड वाली निकाल लेते हैं और इसके जगह पे ये ऑरेंज वाली नोजल लगा देते हैं, व्हाइट वाली लगा देते हैं और अब देखते हैं क्या इसमें प्रेशर निकल के आता है। इसका चौड़ा ज़्यादा हो गया है अब पहले के कंपेयर में, पहले सीधा फेंक रहा था, अभी थोड़ा ज्यादा फेंक रहा है। अगर पर्सनल गाड़ी वगैरह है, कार वगैरह है, तो उसमें आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। अगर पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो ये अच्छा प्रोडक्ट है कि कहीं पे भी अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, गाड़ी में इसको रख के रखो, जब इच्छा हो जब इससे आप वॉशिंग कर लो। अब इसके बाद में हम एक लास्ट इसमें शैम्पू कैन लगा के और देख लेते हैं कि इसमें शैम्पू क्या निकल के आ रहा है। 2 मिनट में आपकी इसमें गाड़ी धुल गई है, जैसे कि आप सामने देख ही रहे हो, दोनों गाड़ी हमने धो दी है। ये पाइप में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बस फिल्टर में डायरेक्ट फिल्टर लगा हुआ है और पानी की टंकी में डाल दिया है। जो भी है सब गन में ही है, मोटर वगैरह जो भी है सब इसी गन में ही है। अब हमने इसमें शैम्पू कैन भी लगा दी है, ये शैम्पू कैन भी लग गई है। ये शैम्पू भी हो गया मस्त इससे।
छोटी सी मशीन है, पर्सनल यूज के लिए बेस्ट चीज है। अब एक बार फाइनल वॉश और कर लेते हैं इसको, ये शैम्पू के हम निकाल दी, अब इसमें हम नोजल लगा देते हैं वापस से, ये रेड वाली। जैसा कि आपने देखा, इसका प्रेशर काफ़ी हाई निकल के आया है। हाई तो नहीं बोल सकते, बाकि इतना था कि आप इजीली इससे आपकी बाइक को या कार को वॉश कर सकते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए बेस्ट चीज़ है, और साथ में शैम्पू भी हो रहा था उससे बढ़िया। साथ में दो नोजल हम जैसा कि दे रहे हैं, 48 वोल्ट की इस पर बैटरी लगी हुई है लिथियम आयन वाली। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या इसकी और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप ही हमारा ड्रिजल इंडिया करके एड्रेस है, जो कि लोहा मंडी इंदौर में स्थित है, और ये हमारे मोबाइल नंबर 7389588101 7389079481, इनसे आप नंबर पर संपर्क करके आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।